कुवैत से लौटते ही एक युवक को जयपुर एयरपोर्ट पर पुलिस ने धर लिया। दरअसल पहली पत्नी ने उस पर केस कर दिया था। पाकिस्तान की एक युवती से शादी करने वाले चूरू के युवक को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। कुवैत से लौटते ही जयपुर एयरपोर्ट पर पुलिस ने 12 अगस्त को इस युवक को हिरासत में ले लिया। युवक के खिलाफ आपको बता दें, जो उसकी पहली पत्नी है, उसने मोबाइल पर 3 तलाक देने और दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया था। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया था। SC ST सेल के DSP रणवीर सिंह ने बताया कि हनुमानगढ़ के भादरा निवासी फरीदा बानो की शादी 17 मार्च 2011 को चूरू के पिथीसर निवासी रहमान खान के साथ हुई थी। शादी के बाद उनके एक बेटा और एक बेटी हुए। रहमान इसके बाद कुवैत चला गया और वहां ट्रांसपोर्ट व्यवसाय शुरू कर दिया। इस बीच आपको बता दें, वो चूरू आता जाता रहता था। रहमान ने बिजनेस के लिए अपने पीहर कॉल करके मदद मांगी थी, जिसके बाद उसने अपने भाभी और परिवार की ज्वेलरी बेच दी। इनसे जो पैसे मिले वो पति को दिए। करीब 1 साल पहले रहमान के पाकिस्तानी महिला से शादी करने के बारे में पता चला तो मैंने इसका विरोध किया, ऐसा उसकी पहली पत्नी का कहना था। रहमान के घर वाले फरीदा को दहेज की मांग कर प्रताड़ित करने लगे। इससे परेशान होकर फरीदा भादरा पीहर में आकर रहने लगी। इसी दौरान रहमान ने कहा कि मैंने दूसरा निकाह पाकिस्तान की लड़की महविश, जो कि 33 साल उसकी उम्र है, उससे कर लिया है। फरीदा ने रिपोर्ट में बताया कि महविश जब टूरिस्ट वीजा पर रहमान के गांव पहुंची तो ये कंफर्म हो गया। इसके बाद फरीदा ने भादरा थाने में पति पर मोबाइल पर 3 तलाक देने और रहमान, देवर सलीम खान, ननद जुबैदा, सास जैतून और ससुर अली मोहम्मद पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला दर्ज करवाया। DSP रणवीर सिंह ने बताया कि आरोपी युवक 12 अगस्त को जैसे ही जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसे वहां पर डिटेन कर लिया था। वहां से उसे हनुमानगढ़ लाया गया है। पूछताछ के बाद 13 अगस्त को उसे गिरफ्तार किया गया। युवक ने दूसरी शादी कब की है इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। परिवादिया फरीदा बानो द्वारा भादरा थाने में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिसमें उसके पति रहमान के द्वारा असंवैधानिक रूप से तलाक तलाक कह करके तलाक और उसके अलावा दहेज प्रताड़ना की FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसके पति को हमने कुवैत से भारत आते समय लुकआउट नोटिस जारी पहले करवाया जा चुका था, वहां से डिटेन करके लिया है और उसको गिरफ्तार करके आगामी इसमें कार्रवाई की जा रही है। अभी तक की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि पति पत्नी के बीच में मनमुटाव था इनका, और जब ये कुवैत विदेश में रहता था इन दौरान इसने सोशल मीडिया पे महविश नाम की कोई महिला है जो पाकिस्तान की रहने वाली है उसके साथ इसने निकाह किया है, ऐसा इसमें इन्होंने अवगत करवाया है। बाकी इससे पूछताछ करने पे पता चलेगा कि आगे और क्या वस्तु स्थिति है। वो इसके गांव पिथीसर में होना मालूम हुआ है, वो टूरिस्ट वीजा पे है 45 डेज के लिए बताया है। अभी इसके बारे में और गहराई से इससे पूछताछ की जाएगी।